आपकी हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे अपने फॉर्म के बारे में। जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म के बारे में बात करेंगे, मतलब हम एक सीड फॉर्म तैयार करने जा रहे हैं। एक मैंने सिंपल सा बनाया हुआ है कि मेरे पास नेम है, सिटी है, अमाउंट है, मैं यहाँ बटन क्रिएट करूँगा, बटन पर जब क्लिक करूँगा तो इसमें जो दी गई वैल्यू है वो वैल्यू डेटा में जाए और इसके अंदर आ जाए, और साथ में ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो जाए, ऑटोमेटिक डेट और टाइम यहाँ पे डल जाए, और जब दूसरा करूँ तो फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, एक के नीचे आता जाए। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम करेंगे, चलिए हम करते हैं, आते हैं विजुअल बेसिक पे और अपने फाइल, हमारा फाइल है बुक थ्री, तो हम यहाँ बुक थ्री पे आते हैं, बुक थ्री, और हमने यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट किया, सब्जेक्ट सेंड नाम का बनाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले यहाँ मुझे इसकी आईडी जनरेट करनी है, तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। अब ऐसा क्यों किया, क्या है ना कि मुझे इसकी आईडी से क्या है, मैंने कि हर एक वन आया तो टू आ जाए, फिर थ्री आ जाए, इस तरह से ऑटोमेटिक सीएल नंबर जनरेट करना है, तो मैं इसका मैक्स निकालूंगा कि इसके सेल में मैक्सिमम नंबर क्या है, फिर उसमें हम प्लस वन कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट आईडी मिल जाएगा। अब यहाँ पर टू डालेगा तो थ्री आ जाएगा, इस तरह से हमारा आईडी मिलते जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैक्स फॉर्मूला बीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, मैक्स लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, एक्सप्रेशन नहीं आएगा, नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया मतलब कि फॉर्मूला को सपोर्ट नहीं करता है। जो सपोर्ट करता है, जैसे लैंड फॉर्मूला सपोर्ट करता है तो नीचे एक्सप्रेशन आ गया। जो फॉर्मूला वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट ना करता है उसको हमें फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल करना होता है, तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स और फिर ब्रैकेट ओपन, और हमने यहाँ पे दे दिया शीट्स, शीट्स में हमने दे दिया डेटा डॉट रेंज ए बाई ए, जो मैक्सिमम नंबर वो निकल के आ जाएगा। अब मुझे फॉर्म से डेटा यहां एक के नीचे एक भेजना है, तो मैंने क्या किया, यहां लिखा रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्स स्लैश अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन। ये क्या करेगा, इसमें जाएगा 65,000 रो पे जाएगा एक कॉलम के, फिर वहां से कंट्रोल और अप एरो प्रेस करके ऊपर आएगा, ऑफसेट क्या करेगा उसको नेक्स्ट सेल नीचे आ जाएगा। तो हमेशा लास्ट सेल की जो अगले ब्लैंक रो है वहां पे कर्सर आके रुकेगा एवरी टाइम। नहीं, वो आईडी के नीचे आईडी लिखा है हमने टेक्स्ट में, ठीक है, तो सेकंड नंबर के रो पे आएगा वो कहां पे मेंशन किया सर? ऑफसेट है ना, हमने लगाया है यहां पे। अच्छा ठीक है, ऑफसेट मतलब एक जहां पे कर्सर ये एंड एक्सेलस अप रुकेगा वहां ऑफसेट एक रो जाएगा। ठीक है, ये रो होता है तो जीरो कॉलम, मतलब कॉलम चेंज, कॉलम यस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस शीट डेटा शीट में होना चाहिए, हमने रेंज दे दिया तो एक्टिव पे वर्क करेगा ना सर? जी 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 जी, शीट के साथ में शीट नेम डेटा ऐड कर दिया। अब इसी को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि मान लीजिए इसने यहाँ पे वन लिख दिया, मुझे डेट पे जाना है, तो ये 65,000 पे जाएगा नीचे ऊपर आएगा, ठीक है ना? अब एक रो नीचे नहीं चाहिए, एक कॉलम आगे चाहिए, तो यहां हमने जो कॉलम को जीरो कर रखा है इसको वन कर देते हैं, और रो जो वन था उसको हम जीरो कर देते हैं, तो आईडी प्लस वन के जगह पे हम यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, जय जी, समझ आया आपको? जी जी जी। अब इसको कॉपी करते यहाँ पेस्ट करते हैं, अब यहाँ पे टू हो जाएगा, यस, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा, एक और दो यहाँ आएगा, और डेट के जगह पे हम टाइम।
प्रिपेस किया, अब यहाँ पे थ्री हो जाएगा। अब थ्री के यहाँ जो है टाइम की जगह पर नेम चाहिए, किसका नेम चाहिए, फॉर्म का। फॉर्म का तो फॉर्म के अंदर हमारा बी टू, तो यहां लिखेंगे रेंज डॉट वैल्यू। अब बात आती है कि हमने इसके आगे सीट का नाम फॉर्म क्यों नहीं दिया, देना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस माइक्रो को जब रन करेंगे बटन पे क्लिक करके, और बटन पे क्लिक करने के लिए हमें फॉर्म में तो आना ही चाहिए ना सर जी, तो जो कर करंट मिस्टेक है वहीं से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दिया। जी जी, अगर कॉपी किया पेस्ट पेस्ट, अब यहाँ पे थ्री के जगह पे फोर एंड फोर के जगह पे फाइव, और ये बी टू के जगह पे बी फाइव और बी एट। उसके बाद एक कंफर्मेशन देना है एम एस जी बॉक्स, और यहाँ पे मैसेज डेटा सेव, और फिर जो पहले से जो डेटा एंट्री उसको ब्लैंक कर देते हैं। क्या सर जी? तो हम यहाँ पे लेते रेंज डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पे बी एट के जगह यहाँ पे बी फाइव और यहाँ पे बी एट। अब मैं यहाँ पे एक बटन डिजाइन करता हूँ, डिजाइन करने के बाद इस पे माइक्रो असाइन कर दिया। फॉर्म वाले के जगह पे यहाँ पे हम ले देते हैं सेव। अब एक टेस्ट कर लेते हैं, पूजा सिटी में दिल्ली, और अमाउंट यहाँ पे हमने डाल दिया, सेव पे क्लिक किया, डेटा सेव अनोखो, ओके ब्लैंक आ गया सर। लेकिन ब्लैंक हुआ क्योंकि आप फाइव को हमने एट नहीं किया था, इसलिए ब्लैंक हो गया। आपने देखा सर दो नंबर बन गया। यस, लेट टाइम आ गया, एक इंट्री और करते हैं। मोहन सिटी में मान लीजिए जयपुर, और अमाउंट हमने डाल दिया है, खाली हो गया, चली गई। yes. चली गई सर। यस, ये तो सिंपल था। अब इस कोड के स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। वन मिनट है सर। Yes, अब ये जो कोड था ऐसी सिंपल छोटा सा फॉर्म बनाया। अब आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म को खोलना है, ठीक है, सॉरी गूगल में गूगल पे फॉर्म सर्च करना है। ओके, फॉर्म सर्च करने के बाद यहाँ इमेज पे आना है, और इसमें से जो फॉर्म आपको पसंद है उस बनाइए। ओके ठीक है, जैसे इसी को ले लीजिए, इसी को डिजाइन कीजिए, और फिर उस पे वीवीए कोड करके डेटा एक सीट से अनदर सीट में डालिए। ओके राइट सर। यस सर। तो सर एक क्वेरी था। हाँ पूछिए। जो हमने आईडी का जो फॉर्मूला रखा ना एक्टिव एप्लीकेशन करके, हाँ तो उसमें एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट आईडी करके, तो उसमें अगर वो तो मैक्स करके फॉर्मूला प्लस वन करेगा, यानी जो मैक्सिमाइज होगा उसका प्लस वन करते जाएगा, लेकिन हमें कोई स्पेसिफाई कोई आईडी रखना है तो अब आईडी का कोई सीक्वेंस होगा ना कि कैसे चलना है। यस, वो सीक्वेंस डालना पड़ेगा, जैसे होता है ना ईयर मंथ फर्स्ट लेट, नाम का फर्स्ट लेटर, ईयर का फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ का, या ईयर का फर्स्ट ईयर लेट दो लेटर बन जाएगा। ओके ठीक है ना, तो उसे सर वो तो मैन्युअली ही करेंगे ना, कि उसमें तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट लग जाए, उसमें उसका देखना पड़ेगा सर क्या है। अच्छा ठीक है ना। ठीक है, इसको बनाइए और भेजिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है सर।